हेलो माय लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्वालॉजिका के दो मॉइस्चराइजर का कंपैरिजन। सो यस, दोनों का ही डेडिकेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि दोनों को ही लेके लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा बाय करें। सो मुझे लगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको दोनों का कंपैरिजन करके बता देती हूँ कि इनमें से अगर आपको बाय करना है तो आपको कौन सा बाय करना चाहिए। सो या मेक श्योर कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल रहे, तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज to subscribe my channel, it means a lot to me guys. So yeah, without further ado, let's get started on. बात करें packaging and all की, so दोनों का ही container आप देख के पता कर सकते हो कि दोनों की packaging एकदम same है, सिर्फ color difference है। ये थोड़ा सा orangeish है और ये greenish color में है। Price भी दोनों की same है, $5.99 है, and quantity भी आपको same मिलेगी, 50 gram and 50 gram। So बात करते हैं particular इस green वाले की पहले। So this is the Aqualogica Clear Plus Jello Moisturizer. So this is the day moisturizer, मतलब अगर आपको दिन में use करना है कोई, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। एंड दोनों जो प्रोडक्ट है ना, ये बेसिकली यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। सो एक्वालॉजिका के आई थिंक फेस वॉश भी मैंने यूज किए हैं, मतलब एक दो प्रोडक्ट्स और भी यूज किए हैं, सारे ही यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। दैट मींस कि वो आपकी स्किन के मॉइस्चर है उसको वो लॉक करके रखेंगे, एज ए ह्यूमेक्टेंट आपकी स्किन पे वर्क करेंगे। सो पहले इसकी कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। ये आपको कुछ इस तरह की जेल कंसिस्टेंसी में मिलता है। लुक एट दिस, काफी ट्रांसपेरेंसी इसकी कंसिस्टेंसी है, और जब आप इसको हाथ पे लगाओगे ना तो भी ये बहुत अच्छे से मेल्ट होता है। मतलब बहुत अच्छा इसका मुझे फॉर्मूला लगा, और बिल्कुल भी स्किन पे ऐसा चिपचिपापन या ग्रीजीनेस नहीं लगती इसको लगाने के बाद। इनफैक्ट ना, 1 से 2 मिनट में ये स्किन को इनके अंदर पूरे अच्छे से सॉकिन हो जाता है। लुक एट दिस, मतलब आप देखो मेरा हाथ कितना अच्छे से ग्लोई कर रहा है, और बिल्कुल भी ऐसे स्टिकी या मतलब ऐसे अजीब सा नहीं लग रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा अच्छी है। दो, इसके अंदर किसी भी तरह के केमिकल या फिजिकल फिल्टर नहीं है, तो इसको लगाने के बाद आपको फॉर श्योर सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा अगर आप इसको डे टाइम में यूज कर रहे हो तो। बेसिकली इसके जो हीरो इंग्रेडिएंट्स है, दीज आर कोकोनट वाटर एंड हाइलोनोरिक एसिड। सो वी ऑल नो हाइलोनोरिक एसिड एज अ ह्यूमेक्टेंट की तरह ही हमारी स्किन पे वर्क करता है। एंड हाइलोनोरिक एसिड इज अमेजिंग, मतलब हर एक स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपका कोई भी स्किन टाइप हो आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि ड्राई स्किन पे भी बहुत अच्छे से नरिश करता है उसको, एंड ऑयली स्किन के लिए भी बिल्कुल भी ग्रीजी या ऑयली नहीं लगता है। सो फॉर्मूला वाइज मुझे इसका काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड ये क्लेम करता है कि आपकी स्किन पे 74% मोर हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को। सो हाइड्रेशन के लिए काफी अच्छा है, एंड विंटर्स के लिए आप ढूंढ रहे हो ना तो दिस इज परफेक्ट डे मॉइस्चराइजर। एंड बात करें इस ऑरेंज वाले की, सो ये बेसिकली एक नाइट जेल है। मतलब आप इसको, मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब इसको आप डे में भी लगा सकते हो, नाइट में भी लगा सकते हो, बट नाइट में ये ज्यादा अच्छा वर्क करेगा, जस्ट बिकॉज कि इसके अंदर है पपाया एंड विटामिन सी। सो दोनों जो इंग्रेडिएंट है ना, वो बेसिकली आपकी स्किन को ब्राइटन अप का काम करते हैं और हाइड्रेट करते हैं। मतलब पपाया वी ऑल नो स्किन पे एक व्हाइटनिंग इफेक्ट लेके आता है, और विटामिन सी तो फेमस ही हमारी स्किन को ब्राइटनिंग करने के लिए, या फिर हमारी स्किन के एक्ने स्कार्स पिगमेंटेशन को कम करने के लिए है। सो ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। लाइक कोई भी क्लेम नहीं कर रहा है कि बहुत ज्यादा आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा या अच्छा क्लियर ग्लो देगा, जस्ट नॉर्मल आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए वर्क करेगा एज अ मॉइस्चराइजर। एंड ये आपकी स्किन को, मतलब अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट दिखे या आपकी स्किन क्रिस्टल क्लियर रहे, उसके लिए आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो। सो नाइट टाइम में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाला ट्राई कीजिए, एज ये है भी नाइट जेल, मतलब नाइट में ही आपको इसको यूज करना है। बट अगर आप दिन के लिए एक अच्छी सी प्रॉपर एक अच्छा सा हाइड्रेशन वाला मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हो तो आप ये वाला यूज कर सकते हो। बट दोनों में से अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बाय करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप ये वाला ट्राई कीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो विटामिन सी है ना वो बहुत ही कम डाला है। तो अगर आपको विटामिन सी रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए तो अभी मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है यार, मतलब अच्छे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। बट इसके अंदर हाइलोनिक एसिड है, तो हाइलोनिक एसिड भी इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाइलोनिक एसिड थोड़ा सा भी आपकी स्किन को बहुत अच्छा सपल लुक प्रोवाइड करता है। सो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो। सो इन दोनों में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये वाला प्रोडक्ट। ये बहुत ही अच्छा है समर्स के लिए, विंटर्स के लिए, हर एक सीजन में आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। सो यस, दोनों के लिंक में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर चुकी हूँ, एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा गाइस। सो या फिर भी कोई डाउट है आपको पर्टिकुलर इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको फॉर श्योर रिप्लाई करूंगी। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगेन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।